व्यक्तियों को हम नाप दे, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम थोड़ा बातें हम देखने के लिए चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय उसका तीसरी आयत, फिलिपियों की पत्री उसमें पौलुस ने फिलिपियों के लिए, फिलिपियों की कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्री दूसरा अध्याय उसका तीसरी आयत। अच्छा समझो, धीर से एक दूसरे को क्या करना, क्या करना, उत्तम समझो। दीनता से एक दूसरे को उत्तम समझना। प्रयासों कई बार हमारे जीवन में ये बात लाभदायक कई बार नहीं होते हैं। हम दूसरे को हाल उत्तम नहीं समझ लेते हैं, हमसे भी बढ़कर दूसरे को श्रेष्ठ नहीं समझ लेते हैं। ये बात हमारे लिए अच्छा नहीं। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में लिखकर आने के वक्त में उधर लिखा है एक दूसरे को उत्तम समझना। प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे को उत्तम समझा। हम पाप में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें उत्तम समझकर आकर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया दया किया है, उत्तम समझा। पापी को नहीं है, पाप को भी नहीं है, हालेलुया परमेश्वर ने अपना जीवन देकर हमें हालेलुया उत्तम बना दिया। तो हम दूसरे को ऊपर दोष कैसे बना सकता है? कई बार हमारा एक कमी है, हमारे बच्चों का खूबियों को हम समझने में देर लग जाते हैं, हम हमारे बच्चों को ऐसे नीचा कर देते हैं इसको कुछ पता ही नहीं। हमारे बच्चों को हम आदर ना करें तो इस दुनिया में कौन आदर करेगा? हमारे बच्चों को हम फर्स्ट हाल में एक्सेप्ट करना, हम उनको एनकरेज करना, हम उनके साथ खड़े होना। कई बार एक बाप के नाते मैं आप एक माँ बाप के नाते हमारे जीवन में ये बात हमेशा एक बात होता है, हमारे बच्चों को हमसे भी जितना नीचे कर देख सकता है उतना नीचे उनको हालेलुया हम समझ लेते हैं। वो इसको क्या पता है, बल्कि परमेश्वर को उनके बारे में बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया, एक बाप के बारे में मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं। हालेलुया, एक दूसरे को उत्तम समझना। हालेलुया, मैं बात को सब्जेक्ट को आप भूलना नहीं है, एक दूसरे को उत्तम समझना। पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय, ग्यारह आयत, उधर एक नबी आ रहा है। उस नबी का उद्देश्य एक अलग उद्देश्य है। आज तक हालेलुया को किसी को भी नहीं मिला एक आदर देने के लिए। उस नबी को परमेश्वर यहोवा ने किसी के घर में भेजा है। उस आदर को लेकर नबी ने शमूएल ने उस घर में पहुंच गया। पहुंचने के वक्त में उस उधर ये है राजा को चुनना है। राजा को चुनने के लिए यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को यिशै के घर में भेजा। तुम जाकर मैं जिसको दिखाऊंगा उसको तुमने अभिषेक तेल डालकर राजा के लिए अभिषेक करना। अभिषेक करने के लिए यिशै के घर में शमूएल ने आ गया। शमूएल आने के बाद उसने शमूएल को देखकर ही यिशै ने हालेलुया आपका आगमन शुभ है, उन्होंने बोला हाजी शुभ है, शुभ बातों के लिए, शुभ काम के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया, तुम्हारे घर से एक व्यक्ति को राजा बनने के लिए यहोवा परमेश्वर चाहता है, इसलिए यहोवा परमेश्वर मुझे भेजा गया है। ईशा ने बहुत
खुश हो गया, मेरा बेटा, मेरे बेटे में से एक को राजा बनने के लिए हो परमेश्वर ने चाहता है, तो इससे भी बढ़कर आदर मुझको क्या मिलना है। ईशा को 8 बच्चे थे, तो उनके जो बड़े बच्चे सारे शाऊल के फौज में थे, शाऊल के फौज में होने की वजह से इसको एक बात अच्छा लगा, क्योंकि फौज में से राजा बनना एक ईसी है, क्योंकि फौज है, फौजी है, तो उसको अच्छा तरीके देश का सारे बातों के बारे में, लड़ाई के बारे में पूरा जानकारी होगा, इसलिए मेरे बच्चों ही अच्छा होगा। इसलिए ईशा ने अपने एक एक बेटों को बुलाना शुरू किया। शुरू करते करते पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है। पढ़ लीजिए उसका पहला शमूएल 16:11। शमूएल ने यिशै नू आख्या, तेरे सबे पुत्र एहो ही हन। वो बोलिया, सबना नालो निकता अजे रहता है, वो इज्जत नू चुनौता है। ता शमूएल ने यिशै नू आख्या, ओनू सब्त कर, क्यों जो जल तोड़ी वो इत्थे ना आवेगा, असी नहीं बैठना। तो उसने तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? और वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेजो, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। एलिय्याह आ गया, अबीनादाब आ गया, शम्मा आ गया, सारे लोग आ गया। आने के वक्त भी यहोवा परमेश्वर ने उनको हाल दिया, योग्य नहीं गिना, योग्य नहीं गिना। फिर हमारे जीवन में कई बार ये बात होता है, हमारे हमको परमेश्वर ने बच्चे दिए देते हैं, उनका हालेलुया, उनको जिसको काबिल हम सोचते हैं वो नहीं है, जो गुण हम देखते हैं वो नहीं है। परमेश्वर को किसी न कुछ लोगों को लोग बारे में हर स्पेशल हालेलुया योजना होता है उनके लिए, स्पेशल रीति में परमेश्वर में इस्तेमाल करेगा। हम कई बार हमारे बच्चों का खूबियों को हम ही टक्कर रखते हैं, हम भी हालेलुया उसको निकम्मा समझ लेते हैं। इधर देखना, अपना पहला बेटा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हालेलुया चौथा आया, पांचवा आया, छठवां कोई भी नहीं है, सातवां भी आ गया। तब भी इस बाप ने यह नहीं बोला है, मेरा एक बेटा है उसको भी बुलाओ, क्योंकि उसने ये सोचा वो निकम्मा है, वो कॉलेजी नहीं है, उसको ये राजा होने का कॉलेजी नहीं है। मेरे आंसू सो, हमारे बच्चे हालेलुया शायद पढ़ने के लिए निकम्मा होता है, शायद हालेलुया लिखने के लिए निकम्मा होगा, शायद हालेलुया बोलने के लिए निकम्मा होगा, शायद हालेलुया उसको अक्कल बुद्धि समझ नहीं हो गया, तो भी हालेलुया आप उनको निकम्मा नहीं समझ रहे, क्योंकि आप उस बच्चा आपके लिए श्रेष्ठ है। आमेन। क्योंकि आपके लिए गिफ्ट के रूप में परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, आपको गिफ्ट के रूप में परमेश्वर ने दिया है, नहीं हो तो उस बच्चा आपके पास नहीं होना था। परमेश्वर ने आपको गिफ्ट के रूप में दिए है, तो पढ़ लीजिए जबरदी पोथी 128, उसका तीसरी आयत। तेरी बहुती पर्दा तांग वांगू तेरे घर के अंदर होवेगी, तेरे बच्चे जैतून के बूटियां वांगू तेरी मेज के आले दुआले होंगे। हिंदी में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता से होगी, और तेरे बीच के चारों ओर तेरे बालक चंपाई के पौधे से होंगे। 127 का तीसरी आयत। देखो बच्चे यहोवा वल्लों मिलास हैं, ढिड दा पालक एक इनाम है। देखो लड़की यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का पर उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है आप
में बेचा। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ मिराज को इनकार करने के लिए आपका कोई लायक है ही नहीं। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हमारे बच्चों को भेदभाव करते हैं, लड़का लड़की पढ़े हुए बड़े जिसे पढ़ते हैं कम पढ़ने वाला है, ज्यादा कमाने वाला कम कमाने वाला है, वो रंग साफ है गोरा है, और कई रीति में हमने बच्चों को अलग करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने हमको दिया है, तो उनको पालने का हक हमको है, उनको हालेलुया तुल्य रीति में हमने हालेलुया उनको समझना भी है। इधर ईशा के घर में शमूएल आ गया। शमूएल ने सात बच्चे आने के बाद भी उसने ये अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है एक शाऊल एक दाऊद राजा होगा। एक दाऊद के राजा बनने के लिए परमेश्वर हालेलुया चुनेगा करकर उसको विश्वास नहीं है। हमें हालेलुया आप समझना। सात बच्चा होने के बावजूद भी ईशा ने ये कबूल नहीं कर रहा है वो लायक है राजा बनने के लिए, उसको निकम्मा समझकर बैठा हुआ है। जब शमूएल ने पूछ रहा है क्या और कोई बचा है, क्योंकि अभी तक तुमने जिनको जिनको लेकर आया यहोवा परमेश्वर ने उनको इनकार किया है, यहोवा परमेश्वर को इनकार करे तो और भी बचा होगा, मेरे सामने कोई बचा तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्या सच में और बचा नहीं है या परमेश्वर को गलती हो गया, मुझको गलती हो गया, तुमको गलती हो गया, किसको गलती हुआ है, आप ये बताओ और कोई है। हालेलुया हालेलुया। निकम्मा किसी को भी हालेलुया हल्का नहीं समझना, आदर के योग्य समझना, एक दूसरे को आदर के योग्य समझना, एक दूसरे को आदर के योग्य समझना, हमारे बच्चे को हालेलुया आदर के योग्य समझना। हालेलुया वो हमारा खून है, वो हमारा खून है। हालेलुया परमेश्वर ने हमको दिया है, उनका कमी है तो भी हालेलुया हम क्या करेंगे, यदि हम क्षमा ना करें तो कौन क्षमा करेगा। मैं कई बार पीटीए मीटिंग के लिए जाता हूं, बच्चों का पीटीए मीटिंग के लिए जाने का वक्त में कई पेरेंट्स इतने टेंशन हो जाते हैं, उनके घर ने जैसे आग लग गया, घर में आग लग गया तो क्या टेंशन होता है, वैसे आग वैसे होता है, एक हाफ मार्क कैसे कम हो गया, ये हाफ मार्क कैसे कम हो गया, ये कैसे हो गया। बच्चे को पढ़ने के लिए लायक बनाया परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। कई बच्चे हालेलुया झोपड़ियों में रहते हैं, कई बच्चे लोग हालेलुया अनपढ़ हैं, कई बच्चे लोग हालेलुया मेंटली हालेलुया फिजिकली हैंडीकैप्ड। हालेलुया ईशा ने उस बच्चा को निकम्मा समझा, पर उसने क्या बोला, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझना चाहिए, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझना चाहिए। ईशा को अपना बेटा को अपना खून से हालेलुया फायदा हुआ बेटे को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका आयत एक और बार पढ़ना जी, 16:11 पहला शब्द 16:11 सेमुएल ने यसीनु आख्या तेरे सबोए पुत्र एहो ही ना, वो बोलिया सपना नाल निका जी रहता है, सबते नाल निका है सबसे छोटा है, वो लायक नहीं है राजा बनने के लायक नहीं है, हमारे परिवार में उसको हालेलुया कुछ काम सौंपने के लिए लायक नहीं है, उसको हमारा कुछ काम के लिए वो लायक ही नहीं है। फिर आसों जिनको हमने हालेलुया लायक नहीं समझ रहे हैं, जिसको हम निकम्मा समझ रहे हैं, उनको परमेश्वर हालेलुया तब करने के लिए चाहता है। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया उसको परमेश्वर ने हालेलुया इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। आगे परमेश्वर के काम देखना, हालेलुया उसका 12:13 तब वह उसे बुलवा कर भीतर ले आया, उसके तो लाली जलती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप संदोल था, तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर यही है। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाई के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर प्रबल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर
हिंदी में कोई पढ़ना सॉरी देखो उधर जब ये पूछा क्या और बच्चे हैं, उसने बोला सबसे छोटा एक है वो उधर भेड़ बकरी को चराने के लिए चला गया। उसको बोला जब आपने उस सीन को देखना, जब दाऊद अंदर एंटर कर रहा है ऑटोमेटिकली परमेश्वर के आत्मा कार्य करना शुरू हो गया। दाऊद एंटर कर रहा है परमेश्वर की आत्मा शमूएल से बोला है यही है। जब बोला ऑटोमेटिकली शमूएल खड़ा हो गया। आमेन आमेन हालेलुया। वो पढ़ने के वक्त में जब नगर में शमूएल आ गया सारे लोग गड़बड़ी हो गया और ऐशा ने जल्दी से घर से बाहर हो गया। आपका आगमन शुरू है वो डर गया। जब दाऊद आ गया शमूएल खड़े हो गया। प्लीज लगाओ खाने ले जिसको खाने ले हम निकम्मा सोच रहे ना उनको परमेश्वर आदर करेगा। आमेन आमेन। जिसको हम निकम्मा सोच रहे ना परमेश्वर आदर करेगा। सबसे पहले आदर हमारे घर से शुरू हुई, हमारे मन के अंदर से शुरू हुई, हमारे फैमिली के अंदर से शुरू हुई। हालेलुया। हम एक्सेप्ट करना, हम पहले एक्सेप्ट करना तभी ही हमारा फैमिली एक्सेप्ट करेगा। हमारा फैमिली एक्सेप्ट करे तो हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट करे तो सभी के सामने हालेलुया वो आदत की चिन्ह बनेगा। हालेलुया। आप सोच रहे हैं हालेलुया मेरे बेटे को मेरे बेटे को कोई भी हालेलुया बोलते नहीं है पूछते नहीं है तो सारे हालेलुया उसको हालेलुया इनकार करते हैं। सबसे पहले आप अंगीकार करिए। आमेन आमेन हालेलुया। कई बार ऐसे होता है आगे बढ़ो जी उधर है ना जो अभिषेक करने के समय में सारे भाइयों के सामने अभिषेक हुआ। तेरा आयत पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है 16 का तेरा आयत हम पढ़ने के वक्त में पढ़ना जी तेरा हिंदी में। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उसके भाइयों के बीच में हालेलुया। फर्स्ट उसने उन्होंने क्या सोचा निकम्मा सोचा बाप के सामने भाइयों के सामने परमेश्वर ने दाऊद को आदर किया। पहले हम जिसको हालेलुया नफरत करते हैं उसका अंगीकार करना सीख ले। हम सब श्रेष्ठ हालेलुया एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे। हम ज्यादा बुद्धिमान ना बने, ज्यादा ज्ञानी ना बने, ज्यादा समझदार ना बने, दूसरे को समझे, दूसरे को अंगीकार करें। हालेलुया। हमारा क्या क्वालिटी है, क्या क्या है हमारा क्वालिटी? कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिलिपियन पत्र में हम आगे पढ़ने के वक्त में नहीं पढ़ना मेरा विषय वो नहीं है जस्ट मैं उसको टच करके आगे बढ़ूंगा। हमारी क्या क्वालिटी है? हमारी क्वालिटी कुछ है ही नहीं। हालेलुया। स्वर्ग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया दास के रूप में मनुष्य रूप में हालेलुया आ गया। दास बनकर मनुष्य रूप में हमारे पापों के लिए आ गया। हालेलुया। वो मौत तक आज्ञा करेगा। उससे बड़ी बात क्या है? अपना हालेलुया सारे हालेलुया स्वर्ग का सबसे हालेलुया श्रेष्ठ पदवी को छोड़कर आया। हम कौन सी पदवी छोड़ा? हम कुछ नहीं छोड़ा। आमेन। इसलिए एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे। हालेलुया। इधर केवल उतना नहीं है जिन्होंने किया है परमेश्वर ने। जो लोग आप लोगों को हमें भी कई बार यही होता है श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। हालेलुया। हमें निकम्मा समझ लेते हैं हमें। हालेलुया। उसके बाद पढ़ना उसका 17:28 17:28 पढ़ना। भाई लोग भी निकम्मा समझ जाओ। उस वेले ओदे वड्डे भरा एलीआब ने ओदियां गल्लां सुनियां जो ओ लोकां नाल कर रहा सी अते एलीआब दा क्रोध दाऊद उत्ते जाग्या अते ओ बोलिया तू कानू इत्थे लै आया है अते ओ तेजाड़ विच उन्हां ने थोड़ियां जिहियां भेड़ां नूं
तू किसे गोचरे छड़ आया है, मैं तेरी दौड़ अते तेरे मन दिया दी बुराई तू जानता हां, तू लड़ाई दे वेखण नु ही ले आया है। देखो जब दाऊद ने दाऊद अभी अभिषेक पाया, अभिषेक पाने के बाद भी राजा के घर में नहीं आया, इसके बीच में बहुत कुछ बातें हुए। आप घर में जाकर ना 15, 16, 17, 18, 19 आयतें पढ़ना, बहुत अच्छे बातें उधर लिखा है बाइबल में, सारे अच्छी बात है। ओके, उस उधर हम पढ़ने के वक्त में अभिषेक तो पाया, अभिषेक पाने के बाद ये नहीं है मैं अभिषेक पाया हूँ, ऐसे नहीं है। अभिषेक पाने के बाद भी अपने का हालेलुया बेड ओके को चलाने के लिए उसने हालेलुया जंगलों में चला गया। जंगलों से एक दिन वापस आने के वक्त में बाप ने बोला, देखो अभी लड़ाई का समय है, आप कैसा करो तुम्हारा भाई होगा, बाहर भी पता कर राजो वो लोग शुभ है शांति से रह जाए, तुमने जा पता कर कराना। उस समय उधर बहुत बड़ा हालेलुया समस्या चल रहा था, हालेलुया फिलिस्तीन हालेलुया गोलियत ने हालेलुया ललकार कर रहा था। उस समय ये देखा ये कौन होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेना को हालेलुया तुच्छ जाने के लिए कौन होता है, ललकार करने के लिए कौन होता है। दाऊद ने बोलना शुरू हो गया, दाऊद बोला, बोले के वक्त में सभी लोगों को पता चला एक बंदा ने आकर ऐसे से बात कर रहा है हालेलुया। उसके भाई ने पूछा, तू क्यों इधर आए लड़ाई के मैदान में, लड़ाई देखने के लिए आया, लड़ाई देखने के लिए तुमने आया, तुच्छ समझ रहे। हालेलुया, हम किसी को भी तुच्छ नहीं समझना, हालेलुया तुच्छ समझे तो हम आगे बढ़ने का वक्त भी। हालेलुया, उस देश का राजा बन गया दाऊद, अभी उसका भाई लोग कहां है, भाई लोग का काम क्या है और दाऊद के अधिकार के नीचे है, अधिकार के ऊपर है, अधिकार के ऊपर है तो अधिकार के नीचे है, अधिकार के नीचे किसी को कुछ हालेलुया तुच्छ नहीं जाना, हालेलुया किसी सभी को आदर समझना, हालेलुया सभी को हालेलुया हम आदर देना, सभी को किसी को भी हम तुच्छ नहीं जाना। हालेलुया, जब उसका भाई ने हालेलुया तुच्छ जाना, उसके बाद उस सेना का हालेलुया फौज में उसके अधिकार के नीचे आना पड़ा। हालेलुया, हमारे जीवन में कई बार हमें भी कोई हालेलुया अंगीकार नहीं करते हैं, कई बात नहीं परमेश्वर में अंगीकार देगा, आमेन, परमेश्वर में हालेलुया अंगीकार देगा, परमेश्वर में हालेलुया ऊंचे पदवी में लेकर आएगा। किसी भी विश्वासी को तुच्छ नहीं जाना, हालेलुया किसी भी आपका हालेलुया साथ हालेलुया पढ़ रहे हैं बच्चों को हालेलुया स्टूडेंट्स को तुच्छ नहीं जाना, आपके साथ जो जॉब करते हैं उनको तुच्छ नहीं जाना, आपके साथ आराधना कर रहे हैं उनको तुच्छ नहीं जाना। हालेलुया, आपके पास्टर है तुच्छ नहीं जाना, आपका विश्वासी है तुच्छ नहीं जाना, सभी को आदर करना। हालेलुया, परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया, हम दूसरे को तुच्छ जानने के लिए हम कौन होता है, उनको हालेलुया दो गुना आदर की हालेलुया गण में उनको भी रखना, वो मुझसे भी हालेलुया क्या है आदर की योग्य है। किसी को भी हालेलुया तुच्छ नहीं जाना। पर सुनो, बहुत बड़े पढ़े लिए हैं रसूल पौलुस, गमालियेल के हालेलुया चरणों में बैठकर विद्या हालेलुया लिया हुआ एक व्यक्ति है रसूल पौलुस। जब रसूल पौलुस प्रचार करने लगा उसके खिलाफ भी लोग बोलने लगा, उसको भी तुच्छ जाना। हालेलुया, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 18 आयत, रसूल की कथा उसका 17:18 प्रेरितों की काम 17 अध्याय उसका 18 आयत। अब पूरी अर्थ इस तो कोई पंडता विचों भी कोई उस नाल टकरण लगे अते कईयां ने आखिया जो ये बकवासी की कहना चाहता है, कई बोले जो ये तां पराए देवतियां दा दसण वाला मालूम हुंदा है क्यों जो वो यीशु दी और कियामत दी खुशखबरी सुनाता सी। बस हिंदी में तब
कुरियन्स तो के दर्शकों में से कुछ उनके तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कर रहा है, ये बकवादी क्या करने लगा। पढ़े लिखे व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को भय मान कर खाने लिया, राजा तक खाने लिया, अधिकार का पहुंच है, हाले लिया सारे विधियों के बारे में अच्छा तरह जानने वाला व्यक्ति है, व्यवस्था को हाले लिया, मुंह जवानी बोलने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को देख कर हाले लिया, दो लोगों ने बोला है हाले लिया, क्या है बकवादी। एक ग्रुप है, वो ग्रुप का विश्वास ये है खाओ पियो मगन रहो, कर तो मरना है, इसलिए इस दुनिया में जो कुछ हमको हाले लिया आनंद कहां कहां से आनंद मिलता है उस आनंद को हम हाले लिया मनाना चाहिए, उस आनंद में हम आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारा इस दुनिया का हाले लिया, सारे हाले लिया बातों का हाले लिया, सारे बात यही है, मगन रहना, खुश रहना, शारीरिक अभिलाषाओं में पूरी से आनंद उठाना, ये है एपिक्यूरियंस का है। बीसी 341 से लेकर 247 के बीच में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने खाली एपिक्यूरियंस ने इस धर्म का शुरू कर दिया, और वो दूसरा है स्टोइक, वो भी उनका भी ये है कुदरत में जो कुछ हमको मिल रहा है उसको हम अनुभव करना चाहिए, कुदरती जो कुछ देता है उसमें आनंद मनाना चाहिए, ऐसे लोग ये बोला है सच्चे जीवन परमेश्वर का आराधना करने वाला रसूल पौलुस के देखकर उन्होंने क्या बोला बकवादी। हालेलुया, ये बकवादी सुनने के वक्त में हालेलुया उन्होंने सोचा ये निकम्मा बंदा है, ये क्या करने लगा, क्या लिखा है ये बकवादी क्या कहना चाहता है, ये बकवादी क्या करना चाहता है, कभी भी दूसरे को हालेलुया निकम्मा नहीं समझा। मेरे जीवन का एक हालेलुया का एक बात मैं आपसे शेयर करने के लिए चाहता हूँ, जब मैं हालेलुया ड्यूटी कर रहा था एक बार उधर एक लेडी आई, लेडी ने आमतौर से हमने करते ना मतलब उसको ट्रेन में जाने के वक्त में बस में जाने के वक्त में उधर कार्ड लेकर आते हैं, कार्ड में लिखा है मेरे तो 5 बच्चे हैं, मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेरा घर वाले का कैंसर है, इसलिए मेरे बच्चों को शादी करवाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप बच्चा आप मुझे मदद करो, ऐसे ऐसे कार्ड में प्रिंट कर हम बस में ट्रेन में जाने के वक्त में ऐसे कार्ड देते हैं, हम खाले कार्ड वैसे ही हम वापस करते हैं, हाले कई लोग पैसा भी देते हैं। एक बार मैं ड्यूटी करने के वक्त में एक लेडी ने ऐसे एक कार्ड लेकर आई थी, आने के वक्त में उस लेडी ने उसमें ऐसा लिखा था मेरे पे कैंसर है, मेरे भाई मेरा हस्बैंड एक एक्सीडेंट में अभी भी मंच में पड़े हैं, मेरे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए मुझे मदद करना, ये बात उस कार्ड में लिखा था। मेरे साथ और भी लोग बैठे थे, मैं बहुत चतुर बनकर मैं बोला है ऐसे लोग बहुत तो कुछ आते हैं, इनको काम करके मतलब कमाने के लिए और रास्ता नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैं चतुर बनकर लोगों के मेरे साथ बैठे थे फ्रेंड्स, उनके उनसे मैं बात कर रहा था, उस समय उस बहन ने ये बात सुनी, उसने मेरे पास आकर बोली भाई, बहुत प्यार से बोले भाई यदि आपके जैसे एक भाई मेरे लिए है तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों के इधर बैठे हुए लोगों के सामने ना मैं हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक देखने के लिए एक सुंदर एक लेडी थी, उसने ये बोलने लगी मैं शरीर का सुंदर तो आपने देखा, मैं व्यभिचार करे तो मेरे को बहुत पैसा मिल सकता है, मेरे शरीर को बेचने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे घर का हाल आप लोग जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए मुझे मजबूरी किया है, मुझे वो ये ना समझे मैं निकम्मा हूं, ये बात मेरे लिए एक तलवार जैसे मेरे दिल के अंदर आ गया,
क्योंकि सभी को एक एक नाप से ही नाप करना अच्छा नहीं। मैं सच में टूट गया, मैं खड़े होकर मैं बोला भाई हम सच में इनको हम हेल्प करना है। फिर हमने इतने इतने हम जितने लोग बैठे थे सभी लोगों ने इकट्ठा करके सभी लोगों ने बोला आप इधर ही बैठना, हम आपके लिए पैसा कलेक्ट करेंगे। हमने उधर जितने लोग जाते आते थे सभी से कलेक्ट कर करके अच्छा एक अमाउंट उस लेडी को हमने पकड़ाया। फिर ऐसे कई बार कई लोगों को हमने जिस नजर से देखते हैं, जिस हालेलुया नजर से हम नापते हैं वो नहीं होता है, किसी को भी निकम्मा नहीं समझना। आमेन, हालेलुया, किसी को भी निकम्मा नहीं समझना। परमेश्वर हालेलुया हमारे बारे में हालेलुया एक दूसरे को आदर करने के लिए सिखाया है, हमारे बच्चों को हालेलुया निकम्मा ना समझना। हालेलुया उस आयत एक और बार पढ़े फिर पत्र 2:3 तड़ेवादियां अथवा फूके कमांड नाल कुछ ना करो, सगो तुसी अधीनगी नाल इक दूए नु अपने आप तो उत्तम जानो। विरोधियां झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम एक दीनता से एक दूसरे को उत्तम समझना, अच्छा समझना, उत्तम समझना। हालेलुया एपिकुरी है तो भी, हालेलुया स्टोइकर है तो भी, हालेलुया कोई है तो भी एक दूसरे को उत्तम समझना। फिर आज मैं हालेलुया आज के प्रचार के लिए मैं हालेलुया प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा हमसे ये बोला हालेलुया गमंड की हालेलुया हमारे स्वभाव को निकले। इस दिनों में हम प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया मैं और वसुमा इस दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी नफरत की आत्मा, हम यदि किसी को नफरत कर रहे हैं उस नफरत हमसे दूर हो जाए, यदि किसी ने हमें नफरत कर रहा है उस उनका हालेलुया नफरत की बजाय हालेलुया उनके जीवन से दूर होने पाए, मैं प्यार करने के लिए हम भी दूसरे को प्यार करने का मन दे। फिर आसो हम हालेलुया किसी को भी निकम्मा नहीं समझना, उत्तम हमसे भी उत्तम समझे। हमारा भाई हमसे भी उत्तम है, हमारा बहन हमसे भी उत्तम है, मेरा पत्नी मुझसे भी उत्तम है, मेरा पति मुझसे भी उत्तम है, मेरे बच्चे मुझसे भी उत्तम है, मेरा साथ काम करने वाला मुझसे भी उत्तम है, मेरा पड़ोसी मुझसे भी उत्तम है, मेरे रिश्तेदार मुझसे भी उत्तम है, मेरे आसपास कोई निकम्मा नहीं है। हालेलुया कोई निकम्मा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हालेलुया यदि तुम्हारे भाई को हालेलुया निकम्मा बोले तो तुम कौन है दोषी है, उसको हालेलुया तुम हत्या किया है। तेरे पास एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे, हमारे बच्चों को श्रेष्ठ समझे। आप सोचकर देख लीजिए उस दिन जिस दिन अभिषेक हो रहा था दाऊद के मन के दुख कितना दुख हो रहा होगा। उसको पता चला यदि मान लीजिए उसको पता चला अब अपना घर में नबी आया हुआ है तो हमने ये पढ़ा उधर जब तक दाऊद नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाना, मतलब दूर नहीं पास कहीं था दूर जंगल में नहीं है, यदि दूर जंगल में है तो कई दिन लगना था क्योंकि शाऊल ने जब खा ले लिया गया तो ढूंढ कर गया कई दिन हो गया था तो कहीं दूर नहीं है पास में ही था, दाऊद पास में ही था पास कहीं था। दाऊद को बुलाने के लिए लोगों भेजा लोगों को लेकर आया उसी दिन ही हालेलुया उसका हालेलुया अभिषेक भी हो गया। यदि उसको पता चल रहा है मेरे घर में एक खुशी का हालेलुया एक फंक्शन चल रहा है गेस्ट आया हुआ है मुझे नहीं बुलाया तो कितना दुख आएगा। हमें हालेलुया मार्जिनल से हमें साइड कर रहे तो कितना दुख आएगा। आप दूसरे को हालेलुया तो नहीं समझे तो उसका मन में कितना दुख आएगा। यदि आप उत्तर सोचकर देख लीजिए दूसरे ने आपको उत्तर नहीं समझा है तो आपको कितना दुख आएगा। एक दूसरे को उत्तम समझे सभी आगे बंद करें। परमेश्वर का दिल में अपने अपने समर्पण करें, नफरत की आत्मा दूर हो। कई बार हम दूसरे से बोले तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमको क्या पता है,
कितना उसका क्या कार्य है प्रभु जानता है, कभी भी उसका निकम्मा ना समझे। तुमको क्या पता है, मुझसे भी तुमको ज्यादा पता है। हमसे भी दूसरे को उत्तम समझे। परमेश्वर ने हमें आज कर दिया, दूसरे को हालेलुया छोटा समझने के लिए, दूसरे को हालेलुया निकम्मा समझने के लिए नहीं है, एक दूसरे को उत्तम समझे। जब हम दूसरे को उत्तम समझेंगे, हम अपने आप उत्तम हो जाएंगे। हमारे बच्चों के बारे में हम अब उत्तम समझें। हमारे बच्चों के हाल कमी को देखकर हम टेंशन लेना नहीं, हमारे बच्चों को उत्तम समझें। परमेश्वर उत्तम करेगा। हमारे भाई के बारे में उत्तम समझें, उत्तम सोचें। हमारे बहन के बारे में उत्तम सोचें, उत्तम समझें। हमारा हाल लिया माँ बाप के बारे में उत्तम समझे, उत्तम सोचे। हमारे चर्च के विश्वासी के बारे में उत्तम समझे, उत्तम सोचे। पास्टर के बारे में उत्तम सोचे, उत्तम सोचे। हमारे पड़ोसी के बारे में उत्तम सोचे, उत्तम सोचे। हम उत्तम हो रहे तो दूसरे को हम उत्तम समझना चाहिए। परमेश्वर के जी में अपने आप समर्पण करें। हम कितने लोगों को निकम्मा समझा है, अभी भी हाल ही में कितने लोगों को हमसे भी नीचा देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का धन्यवाद। प्रभु जी का धन्यवाद। एक दूसरे को उत्तम समझने के लिए तेरे वचन में है, दूसरे को उत्तम समझने में मुझे मदद और सहायक है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया,
एक दूसरे को हमारे लिए उत्तम समझने के लिए, उसके लिए उत्तम समझने के लिए, उत्तम श्रेष्ठ समझने के लिए परंतु सहाय हालेलुया। वो उससे भी हमारे दूसरे को श्रेष्ठ समझने के लिए आप मुझे मदद कर सहाय कर देना। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा योजना के लिए, तेरा वचन के लिए। प्रभु जी हालेलुया, नरक के हालेलुया कुंड में जाने से प्रभु जी आपने हमें रोका, हमारा हालेलुया जीवन की कई कमियों को पिता परमेश्वर आपने वचन के जरिए हमसे बातचीत किए, इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रेमी परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। दूसरे को मुझसे भी श्रेष्ठ समझने में आप मुझे मदद और सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।